न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न को कैसे टैकल करें, इससे कैसे निजात पाया जाए और अच्छा नंबर एग्जाम में लाया जाए, ये वीडियो स्पेशली बनाया गया है बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए। अगर आपका संबंध इससे नहीं है तो भी आप वीडियो देखिए, आपके लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होगा ही। ये वीडियो आप क्लिक कर दिए हैं तो देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है। चलिए आप समझते हैं मेन टॉपिक पे जिस पे वीडियो बनाया गया है। क्लास 10th बिहार बोर्ड के बच्चों, बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न जो होता है उसमें बहुत दिक्कत होता है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो सबसे पहले टेंशन लेना छोड़िए, और आपके मुझे नहीं पता आप एग्जाम से कितने दिन पहले देख रहे हैं या साल के शुरुआत में देख रहे हैं या अंत में देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा रास्ता बताऊंगा, चलना आपको होगा, मैं रास्ता बताऊंगा और आसान रास्ता बताऊंगा। तो चलिए देखिए, इफेक्टिव तरीका समझिए। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को टैकल करने के लिए, न्यूमेरिकल जो होता है उसको दो भाग में बांट लीजिए, तीन भाग में नहीं, दो भाग में, एक बहुत आसान और एक हार्ड। मीडियम नहीं, मीडियम को आपको छोड़िए, बहुत आसान और हार्ड। सबसे पहले जो बहुत आसान न्यूमेरिकल बनता है, जैसे अपवर्तनांक निकालना हो, आवर्धन, तो छोटा सा फॉर्मूला पे जो बन जाता है आप उसको कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो आ सकता है, आप इजीली कर लीजिए, उसको करने में आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ज़्यादा आप अगर क्वेश्चन बैंक को देखिए तो ज़्यादा न्यूमेरिकल से अगर आप नहीं पढ़िएगा न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आपका नहीं जाने वाला, और ज़्यादा वेटेज नहीं होता है न्यूमेरिकल का, बहुत कम वेटेज होता है। आप ऐसे समझिए, अगर आप आसान वाला न्यूमेरिकल को हल कर लिए तो मुश्किल से आपका 1% से 2% मार्क्स कटने वाला रहेगा एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो कुल मिला के जो हार्ड हार्ड न्यूमेरिकल है उसको आप अभी के लिए छोड़िए, जब आप चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, और आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा बाकी सब्जेक्ट पर भी, और आपका दिमाग का जब आधा टेंशन फ्री रहेंगे आप, तब न्यूमेरिकल में थोड़ा जोर आजमाइश कीजिए। हालांकि बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं होता, अगर आप सही तरीके से हमारे चैनल पे पढ़िएगा तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको मैं समझा ही दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी, और मेरे चैनल पे वीडियो भी धीरे धीरे अपलोड हो रही है, और बहुत जल्द मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा बिहार बोर्ड क्लास 10th का, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को टैकल कर सकते हैं। घबराइए नहीं, अगर आपको हार्ड हार्ड न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बहुत अच्छा स्कोर फिर भी कीजिएगा, 400 प्लस क्या, 450 प्लस से भी ज़्यादा लाइएगा। तो यही शुभकामना मैं आपको देता हूँ, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए।